बधाई हो टीम इंडिया, बधाई हो आपको। आज किसी ने उम्मीद नहीं किया था जो हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा सुपरस्टार निकलेगा और बुमराह। भारतीय टीम ने जहां आप देख सकते हैं दोस्तों 118 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान 118 रन नहीं बना पाई। और जान सकते हैं हम लोग बड़ा उम्मीद खो दिए थे कि पता नहीं क्या होगा, आज तो मैच हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन अंत भला तो सब भला, भारत ने 6 रन से पाकिस्तान को हराया। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम भारतीय हैं और जाहिर सी बात है कि भारत के मैच जब भी पाकिस्तान से होता है तो भारत का इंजॉय होता है और भारत का जय भी होता है, ठीक है। और पाकिस्तान गया बाय बाय, पाकिस्तान को यूएसए ने हराया और भारत ने भी हराया, और पाकिस्तान को जो यूएसए की टीम हराई थी उसमें भी भारतीय लोग ही खेल रहे थे, ठीक है। तो आज बोल सकते हैं कि भारत माता की जय। तो दोस्तों जान सकते हैं पाकिस्तान तो हार चुका है और वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा आप लोग बताइए। और हम लोग तो काफी यार नर्वस हो गए थे जब विराट कोहली आउट हो गया और रोहित शर्मा आउट हो गया, तो पूरा निराशा छा गया था। और ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से दोस्तों आज मैच में हम लोग बने हुए थे। और ऋषभ पंत का जो भी जितना रन था उसका योगदान वो कभी भुला नहीं जाता, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, दुनिया में चाहे कोई से भी मैच हो, कितना भी वर्ल्ड कप हो, लेकिन वो मायने तो करता ही है। लेकिन वर्ल्ड कप में अगर भारत ने पाकिस्तान को हराया तो इसके इतिहास में नाम दर्ज होगा और दर्ज होता है, 16 अक्षर से लिखा जाएगा। हार्दिक पांड्या, बुमराह, ऋषभ पंत का नाम 16 अक्षर में लिखा जाएगा। और दोस्तों विराट कोहली अनलकी रहे, विराट कोहली को नंबर 3 में खेलना चाहिए था, लेकिन जो टीम हमारा मैनेजमेंट है वो थोड़ा ध्यान दे। और जाहिर से बात है दोस्तों कि जो प्लेयर 3 नंबर में खेलता है उसको 3 नंबर में भेजे, और टीम को ऊपर नीचे करने से क्या होता है, टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। विराट कोहली कॉन्फिडेंस आता है नंबर 3 खेलने में आता है, रोहित शर्मा ओपन करता है उसको खिलाइए ओपन, लेकिन विराट कोहली को नंबर 3 की जगह उसका है और ऊपर नीचे जाया नहीं करना है। जो प्लेयर जिसमें जिस नंबर में खेलना है, जिसको पसंद करता है उसी नंबर में खेले, तो हम लोग का टीम आगे बढ़ेगा। अगर आप लोग इसे खिलाओगे यार उसको ओपनिंग करने भेजोगे तब तो फिर गया, ओपनिंग करने के लिए बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे बैटर है, बैट्समैन है, लेकिन उसको ना लेके अब सोचते हो कि अधिक रन आ जाएगा करके, तो ऐसा नहीं है। जो बैट्समैन जिस नंबर में खेलता है उसको उसी नंबर में खिलाइए, उसी में कॉन्फिडेंस से। आज भारत मुश्किल में फंस गया था, लेकिन क्या करें, हमारा जो बैट्समैन बोल सकते हैं वो अनलकी रहे, लगभग सभी आउट हो गए। और जाहिर से बात है प्रेशर का गेम, तो प्रेशर का गेम भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया में जग जाहिर है कि सब लोग देखते हैं और भारत है, पाकिस्तान के लोग तो अनिवार्य रूप से देखते हैं। तो जान सकते हैं दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है, पाकिस्तान बहुत खुश था कि हम लोग स्कोर कर लेंगे और भारत को बहुत पूरी तरीके से हराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, भारत ने उसको लतेड़ दिया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार हार है भारत के द्वारा, भारत के हाथ से। और के वर्ल्ड कप में जो टीम आई थी पाकिस्तान का इंडिया में, तो उसमें मैं वर्ल्ड कप 2023 का जो हुआ था वनडे वाला उसमें भी लात खाया था, इसमें भी उसी का बुरा हाल हुआ है। और मैच में और बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हो, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप लोग तो गया, आपका टीम खत्म है, आप टीम बनाइए दूसरा, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पसंद किए कि नहीं किए, अगर आपको मजा आया होगा भारत के जीतने से तो एक लाइक मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पर एंजॉय करते हैं और कुछ हाईलाइट थोड़ा देखिए और थोड़ा मजा लीजिए, इसके बाद गुड नाइट, ओके। तो देखिए पाकिस्तान के तरफ से अगर मैं बोलूं कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, तो काफ़ी यार बहुत प्लेयर उसे अच्छा खेल रहा था, बाबर भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन आउट हो गया। और हम लोग को तो विकेट चाहिए था, तो हम लोग अच्छे विकेट निकाले। और लेकिन जो बताया मेन प्लेयर के मैच में कौन था पता है, हार्दिक पांड्या और बुमराह, अगर दोनों प्लेयर अगर नहीं चलते तो गए। और क्रूशियल टाइम पर अक्षर पटेल का भी विकेट लिए, अगर वो विकेट न लगे तो फिर भी मैच ना सकता था। सही टाइम में भारतीय प्लेयर ने दबदबा बना के रखा और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी वो काम आया। और एक प्रेशर का गेम था, प्रेशर गेम में तो दोनों में से किसी एक टीम को जीतना था, तो भारतीय टीम को हमेशा पता है कि प्रेशर अच्छा झेलती है। हाँ वो बात अलग है कि पाकिस्तान के सामने थोड़ा सा रन स्कोर कम किए हम लोग, जिसकी वजह से थोड़ा सा टारगेट कम दिए, लेकिन पाकिस्तानी भाई आप लोग समझ जाओ कि भारत के हाथ से हार चुके हो और दोबारा जब भी होगा वर्ल्ड कप तो उसमें आप हारोगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के थैंक यू,
लाइक करो और पाकिस्तानियों को डिसलाइक करो। धन्यवाद।